मैं जब बावला कहूं उसका मतलब है तुम, कोई और अपने पे न ले, समझे बावले? देखिएगा भाई, मुस्लिम लीग नून वाले जो है ना, ये असेंबलियों में वापस जाएंगे। बावले वापस आएंगे? कौन? मेरा मतलब है, अबे बावले, क्या ये लोग वापस आएंगे? जी, मुस्लिम लीग नून वाले, उनको आना पड़ेगा, वापस आएंगे। अच्छा चलो, आ गए और उनकी कुर्सियों पे दूसरी पार्टी वाले बैठ गए तो क्या होगा? क्या नून वाले लैपटॉप बन जाएंगे? क्या मतलब लैपटॉप? लैपटॉप मतलब क्या उनके घुटनों पे बैठेंगे बावले? दोनों पार्टियां जो जीती हैं, उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान को वो मिलजुल कर चलाएंगे। ये मिल के चलाने वाला काम तो मुश्किल लगता है, हाँ जुल के चला सकते हैं। या आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग, PhD हैं आप माशियात में, उसके बावजूद अच्छी बातें अपनी जबान से नहीं निकालते आप लोग। अरे बावले, निकाल निकाल के अच्छी बातें थक गए हैं, दुआ कर कर के थक गए हैं, फिर भी मुल्क के हालात ठीक नहीं होते। तो आप बताएं ना कि मुल्क के हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ बावले, एक काम करो, बद्दुआ करना शुरू कर दो, शायद मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह ना करे कि मुल्क के हालात ठीक हो। नहीं नहीं, बद्दुआ क्यों मांगे? अबे बावले, एक बात देखो, अदालतें बंद हैं, वकील गायब हैं, चोर और डाकुओं को आवाम पकड़ के सजा दे रही है। तुम सोचो, सोचो बावले, सोचो, अगर जब लोग कानून को हाथ में लेने लगेंगे तो इस मुल्क का क्या होगा? देखिए, एक हुकूमत 5 साल मुकम्मल करके गई है, दूसरी आई है जो 5 साल मुकम्मल करेगी, हालात ठीक होंगे। एक बात बताओ बावले, ये इस तरह के संजीदा प्रोग्राम में तुम ये कॉमेडी क्यों करना शुरू कर देते हो? जो प्रोग्राम वाकई संजीदा होते हैं, जब उसमें कॉमेडी होती है तो उस वक्त आप लोग कुछ नहीं कहते। ब्रेक ले बावले, ब्रेक ले। इश्तहार देखे जी आप, गुफ्तगू जारी है अभी। बावला गुस्से में है, आप इश्तहार देखें। 100% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे।